मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर जो है किसी को भी एक क्लियर कट जवाब नहीं मिल पा रहा है अपनी क्वेरीज का, अपनी प्रॉब्लम्स का, अपने क्वेश्चंस का, क्योंकि अब इसके अंदर बहुत सारी बातें आती हैं हमारे सामने जो हमारे को आज डिस्कस करने की है। तो आप लोग जो थंबनेल और टाइटल देकर आए हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट भी आई है, तो वो क्या अपडेट आई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रॉब्लम है, डिस्कशन है और आपको करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम और डिस्कशन कर सकते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे मार्टिन लीगल गाइडेंस। वीडियो शॉट करने से पहले मैं सभी लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि जो लोग जुडिशियरी की तैयारी अपनी करना चाहते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन बैठकर अपनी जुडिशियरी की तैयारी कैसे करूं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अनअकैडमी लेकर आया है परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर जुडिशियरी के नाम से। उस केस के अंदर आप सिर्फ ऑनलाइन बैठकर अपना अनअकैडमी का ऐप चलाकर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अनअकैडमी की वेबसाइट खोलकर आप अपना जो जुडिशियरी की तैयारी बिल्कुल आराम से बैठकर कर सकते हैं और बहुत टॉप के एजुकेटर्स हम होंगे आपको तैयारी कराने के लिए। आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी जुडिशियरी एग्जाम्स के, जो पर्टिकुलर स्टेट्स की आती हैं तो उनके हिसाब से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आप जो है सीधा स्टेट वाइज जो अभी आप पर्टिकुलर स्टेट अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप पर्टिकुलर स्टेट की अपनी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। अब इसके अंदर जो है आपको जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस मिला करेंगी, टेस्ट सीरीज तो आपकी हमेशा हुई करेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपकी हुआ करेंगी। इस केस के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिला जाएगा सारे के सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैच कोर्सेज के रिगार्डिंग जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा, आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्टेट की तैयारी करूं, तो आपको मेंटोरशिप और गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड होगी। इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स से आपको जो है जुडिशरी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, तो आपको सिर्फ कोड लगाना है SLG10, यानी कि SLG10। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो जुडिशियरी का कोर्स है वो अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है कि जो मैंने इस वीडियो के अंदर मेन बात करनी है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 15 टाइम हुआ था, पहले उसका एग्जाम लेट हुआ, उसके बाद जो है उसके जो रिजल्ट आने की डेट थी वो एक्सटेंड होकर फिर उनका रिजल्ट लेट आया, और जब रिजल्ट उनका AIB 15 वालों का रिजल्ट आया तो इसके अंदर इतनी सारी कंफ्यूजन थी कि किसी का रिजल्ट पास आया और पास वाले का भी फेल शो होने लगा, और जिन लोगों का जो है कुछ लोगों का विदहेल्ड शो होने लगा, कुछ लोगों का जो है मिसकोड शो होने लगा, और किस कुछ लोगों का रिजल्ट ही शो नहीं हुआ। उनको बोला गया कि आपको 7 दिन और वेट करना पड़ेगा कि जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद जब उन्होंने बोला कि जो लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जो लोग फेल हैं वो अपना रीचेकिंग के लिए भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने ये भी एक पॉइंट क्लियर नहीं करा था कि जो रीचेकिंग वाला है, जो हम रीचेकिंग के लिए बच्चा अपना पेपर डालेगा कि भाई मेरे को अपने रीचेक करवाना है, तो जो OIMR शीट हमने भर के दी थी तो वो तो मशीन में चेक होती है, तो क्या वो मशीन में दोबारा चेक होगी? अगर वो दोबारा चेक होगी तो आंसर तो जो हमारे नंबर है वो तो वही शो होंगे। तो इसके अंदर रीचेकिंग कराने का फायदा क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक तरीके से इसके अंदर क्या बेनिफिट हो सकता है कोई फेल कैंडिडेट है उसको, इसके रिगार्डिंग भी जो है उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। दूसरी बात यह कि जब AIB 15 का रिजल्ट आया था तो वो ऐसे पार्ट्स के अंदर क्यों डिवाइड करा हुआ, कुछ लोगों को विडहेल्ड क्यों शो हुआ, कुछ लोगों का जो है पास होने के बाद भी फेल शो क्यों होने लगा, तो इसके रिगार्डिंग में एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड कराई गई थी। अब इसके अंदर मेन बात आती है AIB 16 का जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने एक बात बोल दी थी कि कोई भी तरीके की बुक्स, कोई भी तरीके के नोट्स, कोई भी तरीके के रेफरेंस बुक्स, किसी भी चीज तरीके के आपके पर्सनल नोट्स अलाउड नहीं होंगे अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जब आप AIB 16 का एग्जाम देने जा रहे होंगे। अब सिर्फ और सिर्फ बेरेक्स अलाउड होंगे विदाउट नोट्स वाले। अब इसके अंदर एक बात यह आती है कि विदाउट नोट्स वाले का मतलब क्या, जो बेरेक्स होते हैं वो ज्यादातर शॉर्ट नोट्स वाले तो आते ही हैं प्रिंटेड, तो आपने ये क्लियर नहीं करा। AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के जो हेड्स हैं उन्होंने ये बात भी क्लियर नहीं करी अपनी नोटिफिकेशन के अंदर कि विदाउट नोट्स का मतलब क्या, कि जो बेरेक्स के अंदर बच्चा जो अपना पेन से खुद नोट्स बनाता है ऐसे बेरेक्स ले जाना अलाउड नहीं है, या फिर जो पब्लिशर की तरफ से ज्यादातर बेरेक्स के अंदर जिसमें लिखा होता है कि इंक्लूड शॉर्ट नोट्स, वो वाले बेरेक्स अलाउड नहीं है। तो इन दोनों चीज में आप कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा, अब ये बात क्लियर नहीं करी है। अब जो मेजर बात है इंपॉर्टेंट वाली कि जो कैंडिडेट्स जो AIB 16 के अंदर आप जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं ना, तो उसके अंदर जो पॉइंट नंबर 5 है जो ये बात बताता था कि कोई भी बुक्स जो है, कोई भी नोट्स, किसी भी चीज के रेफरेंस बुक्स अलाउड नहीं है, वो पॉइंट ही मिसिंग है। तो हम क्या मान सकते हैं कि क्या आपसे जो है हम AIB 16 का जब एग्जाम होगा तो उसके अंदर जो है ये जो रूल आपने लगाया था क्या वो डिलीट हो चुका है? अब इसके लिए भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करी गई है क्लियर तौर पर। तो अगर पॉइंट 5 जो है
डिलीट क्यों करा गया, मिस आउट क्यों करा गया। पहले जब AIB 16 का रजिस्ट्रेशन था तो जब जो है प्रॉपरली AIB 16 का जो फिफ्थ पॉइंट था वो शो होता था, उसमें क्लियरली ये बात लिखी होती थी कोई भी तरह की बुक्स, नोट्स, रेफरेंस बुक्स किसी भी चीज के अलाउड नहीं है, केवल बेरेक्स अलाउड है। तो अब ये क्यों लाइन मिसिंग है, तो इस चीज के रिगार्डिंग बहुत सारी कंफ्यूजन है नहीं है प्रैक्टिकल तौर पर। तो आप लोगों को अगर मेरी बात सही लगती होगी या गलत लगती होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके डिसलाइक करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपस में डिस्कशन करके एक कंक्लूजन पे आ सके, क्योंकि बहुत ज्यादा ये बात जानने वाली है, क्योंकि AIB का भी एग्जाम के अंदर बच्चे फेल होते हैं और पास भी होते हैं। तो ये एक मुद्दे वाली बात है कि अगर आप जो है नोट्स का जो है हटा रहे हो, बुक्स का जो रेफरेंस बुक्स हम ले जा सकते थे वो हटा रहे हो, सिर्फ बेरेक्स आप अलाउड करवा रहे हो, तो आप प्रॉपर तौर पर बताइए तो सही, आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताइए तो सही, शॉर्ट नोट्स को जो एक्सप्लेन अच्छे से करिए तो सही, ताकि जो कैंडिडेट होगा वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखेगा, वैसे ही अपनी तैयारी करके रखेगा, उसके पास इतना सारा टाइम है, जैसे कि डेट्स एक्सटेंड हो रखी हैं, AIB 16 की भी एक डेट्स एक्सटेंड हुई है, अभी भी लेटेस्ट अपडेट यही आई है जो मैं आपको अभी आने वाले टाइम में भी बताने वाला हूं। तो उस केस के अंदर बच्चा अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखेगा ना, तो ऐसे तो बच्चे के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन रहेगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ऑल इंडिया बार काउंसिल वाले जो है प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे हर एक चीज का, हर एक क्वायरी का, ताकि हम जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में कोई भी तरीके की क्वायरी ना आए। अब इसके अंदर मुद्दे की बात है कि जो AIB 16 के जो रजिस्ट्रेशन थे जो 30 अप्रैल तक थे, अब वो एक्सटेंड करके 15 जून तक कर दिए गए हैं, यानी कि अब 15 जून 2021 तक जो है कोई भी कैंडिडेट AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 टाइम का कोई पेपर लिखना चाहता है ना, तो वो 15 जून 2021 से पहले पहले अपना फॉर्म भर सकता है। इतनी बात इसके अंदर बोली हुई है। अब इसके अंदर बोला हुआ है कि अब जो रिवाइज शेड्यूल आएगा, यानी कि जो नई डेट्स आएंगी एग्जाम फॉर्म के लिए कि अब कोई भी कब होगा AIB 16 का एग्जाम, कब से एडमिट कार्ड आएंगे और कब लास्ट डेट होगी, और सारी की सारी डिस्कशन जो भी आता है एक शेड्यूल, वो अब आने वाले टाइम में कुछ टाइम में रिलीज कर दिया जाएगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से। तो उसके उस पॉइंट के अंदर मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वाले जो है नो बुक्स, नो रेफरेंस बुक्स, नो नोट्स अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ बेरेक्स अलाउड होंगे विदाउट नोट्स। तो ये बात को भी क्लियर कर पाएंगे ताकि हम लोगों के मन में क्लियरिटी आएगी, और मैं पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर ऐसी आती है तो आपके सामने सारी की सारी एक एक पॉइंट डिस्क्लोज करूंगा, ताकि आपके मन में भी सारा का सारा डाउट क्लियर हो पाए और आपको भी नई नई स्ट्रेटेजीज मैं बता सकूं। अब इसके अंदर बात आती है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को एडमिशन लेना है, क्लैट का पेपर देना है, क्लैट 2021 के अंदर किसी को पेपर देना है, तो उसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की डेट थी ना, अब वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो 15 मई 2021 तक जो है अब आप जो है क्लैट का फॉर्म भी भर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी खबर भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बुरी खबर भी हो सकती है। तो ये अपने अपने पर्सनल एस्पेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरी वीडियो अगर आपने देखी है तो अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो एक बार ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप लोग अगर मेरी बात से एग्री करते हो, जो मैंने आपको सामने ये डिस्कशन करे हैं, तो आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना व्यू और मेरा व्यू क्या है आपको समझाने के लिए। साथ ही में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने करीबी दोस्तों को जो लोग इनके मन में कंफ्यूजन है तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा कि हाँ भाई वो बंदा भी बिल्कुल मेरी बात से एग्री करता है या नहीं है। जितनी ज्यादा वीडियो शेयर होगी और जितने ज्यादा लोग देख पाएंगे तो उतनी शायद AIB वालों तक ये बात पहुंच पाएगी, और वो अपने नोटिफिकेशन के अंदर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देंगे कि भाई हमारे मन में ये कंफ्यूजन है, आप क्लियर करो। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।